अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमल जाट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैंने टॉप 10 वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स के ऊपर बनाई है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले न्यू मेंबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जी तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 10 वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स में टॉप 10 पर आती हैं लेस डेमोसेल्स डी एवगेनॉन बाय पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो की बहुत ही ज़बरदस्त तसनीफ जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग में से नंबर 10 पर आती है, लेस डेमोसेल्स डी एवगेनॉन। पिकासो की ये बहुत ही ज़बरदस्त तसनीफ ने फन की दुनिया में एक अहम तब्दीली की और क्यूबिज्म की बुनियाद रखी। अफ्रीकी कबायली फन से मुतासर पेंटिंग की कोइनी और बिखरी शक्लों ने नुमाइंदगी और नुक्ता नज़र के रवायती तस्वुरात को चैलेंज किया। नंबर 9 पर आने वाली पेंटिंग है द गर्ल विद अ पर्ल एयरिंग बाय जोनस वर्मीर। ये वर्मीर का एक बहुत ही दिलकश पोर्ट्रेट है जो असरार और रगबत को जाहिर करती है। लाइट और शेडो का लतीफ खेल मौजू के पुर असरार अजहार के साथ मिलकर इस पेंटिंग को एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाती है। नंबर 8 पर आने वाली पेंटिंग है द बर्थ ऑफ वेनस बाय सैंड्रो बोटिसली। सैंड्रो बोटिसली की बहुत ही ज़बरदस्त तसनीफ जो कि नंबर 8 पर आती है वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स में से द बर्थ ऑफ वेनस। द बर्थ ऑफ वेनस में समुंदर से उभरती हुई मोहब्बत की देवी की तस्वीर कशी की गई है। ये आइकॉनिक पेंटिंग इंसानी शक्ल की ब्यूटी को सेलिब्रेट करती है और बोटिसली की नाजुक तकनीक और ग्रेसफुल कंपोजिशन की तरफ तवज्जो को जाहिर करती है। नंबर 7 वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज द प्रिजिस्टेंस ऑफ मेमोरी बाय सल्वाड्रो डाली। सल्वाड्रो डाली की द प्रिजिस्टेंस ऑफ मेमोरी एक हकीकत पसंदाना शहकार है जो हकीकत के रवायती तसव्वुरात को चैलेंज करती है। पिघलती हुई घड़ियां और ख्वाबों की तरह जमीन की तज़ीन की वजह से बेराह रोई का एहसास पैदा होता है और वक़्त और वजूद की नौइयत के बारे में गौर व फिक्र पर उकसाया जाता है। नंबर 6 द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज गुर्निका। गुर्निका बाय पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो की एक और ही बहुत ज़बरदस्त तसनीफ जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग में से नंबर 6 पर आती है गुर्निका। गुर्निका एक पावरफुल जंगे मुखालिफ बयान के तौर पर खड़ा है। हॉरर्स ऑफ द स्पेनिश सिविल वार की तस्वीर कशी करते हुए पेंटिंग की बिखरी शक्लें और यक रंगी पैलेट तनाजात के दौरान होने वाली तकलीफ को बयान करती है। पेंटिंग नंबर 5 इज द क्रिएशन ऑफ आदम बाय माइकल एंजलो। माइकल एंजलो का बहुत ही जबरदस्त पोर्ट्रेट द क्रिएशन ऑफ आदम पिनिकल के फन का एक अरूज है। ये आइकॉनिक फ्रिस्को कैप्चर करता है बाइबल के लम्हे को जो आदम को जिंदगी देता है। माइकल एंजलो की इंसानी अनूठी और डिवाइन नरेटिव को जाहिर करता है। जी व्यूअर्स, टॉप पेंटिंग नंबर 4 इज द स्क्रीम बाय एडवर्ड मंच। एडवर्ड मंच की द स्क्रीम पेंटिंग गुस्से की खौफनाक अकासी है। पेंटिंग की डिस्टॉर्टेड फिगर और विविड कलर्स जन्म देते हैं मायूसी के गहरे एहसास को और एनएक्सटी को जो व्यूअर्स के साथ डीपली इमोशनल लेवल पर गूंजते हैं। द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग नंबर 3 द स्टारी नाइट बाय विंसेंट वैन गोग। विंसेंट वैन गोग की बहुत ही जबरदस्त तस्नीफ जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग में से नंबर 3 पर आती है द स्टारी नाइट रात के आसमान की दिलकश नुमाइंदगी करती है। घूमते हुए ब्रश स्ट्रोक और वाइब्रेंट कलर्स जन्म देते हैं सेंस ऑफ इमोशनल इंटेंसिटी को जो इसे आर्ट के सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल और बिलव्ड वर्क्स ऑफ आर्ट में से एक बनाते हैं। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग नंबर 2 द लास्ट सुपर बाय लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची वर्ल्ड फेमस पेंटर है। लियोनार्डो डा विंची की बहुत ही ज़बरदस्त तसनीफ द लास्ट सुपर में जेसेस और इनके डिसिपल्स के आखिरी खाने को दिखाया गया है। ये आइकॉनिक फ्रिस्को कंपोजिशन और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग और काबिल एहतराम है फॉर अटेंशन टू डिटेल।
एंड द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, द नंबर वन पेंटिंग इज मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची की एक बहुत ही शानदार पेंटिंग, ऐसा पोर्ट्रेट जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग में से नंबर वन पर आता है एंड अनडाउटली द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड। मोनालिसा इज द नंबर वन पेंटिंग। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसने सदियों से व्यूअर्स को मशहूर कर रखा है। इसकी पुरअसरार स्माइल और दिलकश निगाहों के साथ पेंटिंग इंस्पायर और मुतासिर करती है। एंड द व्यूअर्स डैश द फेमस पेंटिंग्स। ये 10 फेमस पेंटिंग वक्त से आगे निकल चुकी हैं और अपनी खूबसूरती, इनोवेशन, प्रोफाउंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से ऑडियंस को मशहूर करती रहती हैं। हर काम आर्ट की हिस्ट्री में एक यूनिक मोमेंट की नुमाइंदगी करता है। आर्ट और आर्टिस्ट के शौकीन की न्यू जनरेशन को यकसा तौर पर मुतासर करता रहता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली और ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप